नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आरके और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 19 दिसंबर 2022 और यहां पे 20 दिसंबर 2022 मंगलवार ट्यूसडे के लिए 3 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सेलेक्ट कर लिया दोस्तों। उसके इंट्राडे लेवल बताने से पहले डिस्क्लेमर ध्यान से सुने, कोई भी पर्सनल बाइंग या सेलिंग की सलाह यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर करें। आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की नहीं होगी दोस्तों। डिस्क्लेमर को ध्यान में रखिए और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को जरूर डाउनलोड करिए लाइव मार्केट में कॉल के लिए। आज भी जाके आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन कॉल्स मिले थे, चाहे वो अडानी पोर्ट का हो जाए, चाहे बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन हो जाए, और साथ ही टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको लाइव मार्केट में कॉल्स मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इंटरनेट ट्रेडिंग कोर्स का एनरोलमेंट लास्ट 22 दिसंबर तक है, तो जिनको एनरोल करना है आप मेरे मोबाइल ऐप के थ्रू एनरोलमेंट ले सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करता हूँ 3 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए 3 स्टार का 20 दिसंबर 2022 की। तो जो सबसे पहला स्टॉक है वो आपके चार्ट पे दिख रहा है दोस्तों, ये स्टॉक्स का नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा। क्या नाम है? बैंक ऑफ बड़ौदा स्टॉक्स का नाम है, ठीक है। ऐसे तो आपको स्क्रीन पे भी दिख जाएगा। अब ये मैं थोड़ा से चार्ट को और बड़ा कर देता हूं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अब देखिए ये बैंक ऑफ बड़ौदा का 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है बैंक ऑफ बड़ौदा का, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप क्लियर क्या देख पा रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में, कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया है 16 तारीख का, है ना। 16 तारीख का एक रेजिस्टेंस है, उसको रेजिस्टेंस फेस करते हुए उस ट्रेंड लाइन से ये बार बार डाउन आ रहा है ना। यहाँ से देखिए बिल्कुल रेजिस्टेंस ले रहा है इस ट्रेंड लाइन को बेहतरीन तरीके से, और इसी ट्रेंड लाइन के आसपास जाके ये क्लोज कर गया, यानी कि ब्रेकआउट करने के चांस बना सकता है। अगर बैंक निफ्टी में थोड़ा भी पॉजिटिव मूवमेंट हुआ तो बैंक ऑफ बड़ौदा जरूर सस्टेन करेगा, पीएसयू बैंक में अगर मूवमेंट होता है तो इसको कैच करना है दोस्तों, क्योंकि एक रेजिस्टेंस लाइन का ब्रेकआउट कर सकता है। इस वजह से इसको लोग बाइंग करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला अगर ये ऊपर ब्रेक करता है बैंक ऑफ बड़ौदा तो हम लोग बाय करेंगे 183.50 रुपया, 183.50 पैसे, 183.50 रुपये के ऊपर निकलेगा तो हम बाय करेंगे, और स्टॉप लॉस 182 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे यहाँ पर। और जो टारगेट होगा, तो सबसे पहला टारगेट होगा 185 185 का, दूसरा टारगेट होगा 186.50 पैसे, 186.50 रुपये का, और तीसरा 188 रुपीज़ 188 रुपये का बाय साइड में बैंक ऑफ बड़ौदा में। सेल साइड के लिए भी लेवल क्लियर कट है। सेल साइड में भी अगर यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया जो यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा था इसके डाउन नीचे आ जाएगा तो कमजोर हो जाएगा, तो हम लोग सेल करके चलेंगे। अगर उस लेवल को नीचे ब्रेक करता है 181.50 रुपये के नीचे निकल जाए तो हम लोग सेल करेंगे, सेल बिलो 181.50 पैसे, और स्टॉप लॉस लेके हम लोग चलेंगे 183 183 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लेंगे, और टारगेट होगा इस कंडीशन में 180 रुपीज़ 180 का, दूसरा टारगेट 178.50 पैसे 178 रुपये 50 पैसे का, और तीसरा 177 रुपये 177 का हमारा स्टॉप लॉस होगा बैंक ऑफ बड़ौदा, 177 का टारगेट होगा तीसरा बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो ये पहला स्टॉक है दोस्तों, लेकिन शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आपको ट्रेड को अवॉइड करके चलना है, उसके बाद ही स्टॉक बाइंग या सेलिंग को एग्जीक्यूट करें तो ही ट्रेड करें, अदरवाइज उस ट्रेड को आप अवॉइड करके चल सकते हैं। तो ये पहला स्टॉक है। अब चलिए सेकेंड स्टॉक की तरफ बढ़ता हूँ, और सेकेंड स्टॉक का नाम आपके सामने में लेकर आता हूँ बेहतरीन। आज सेकेंड स्टॉक में अडानी पोर्ट, मैंने इंट्राडेट टेलीग्राम चैनल पर ये कॉल दिया हुआ था अडानी पोर्ट का, और अडानी 867 रुपये के ऊपर बाय 867 के ऊपर बाइंग दिया था, और इसने हाई लगाया है 895 रुपये का 96 रुपये का इसने हाई लगा दिया है, जैसा कि आप यहाँ पे हाई प्राइस 896 देख पा रहे हैं। अब डेली के चार्ट पर अगर आप देखें ध्यान से तो डेली के चार्ट पे जबरदस्त एक कैंडल बनाया है, जबरदस्त कैंडल बनाया है, काफी बुलिश है। लगभग पहली कैंडल से गैप अप ओपनिंग हुआ है, उसके ऊपर वो सस्टेन भी कर रहा है, पहली कैंडल से ऊपर ओपन हुआ और उसके ऊपर सस्टेन भी कर रहा है, माने क्लोजिंग से प्रीवियस कैंडल से ऊपर क्लोज हुआ है और उसके ऊपर वो सस्टेन भी कर रहा है, और क्लोजिंग भी बिल्कुल अपने हाई प्राइस के आसपास में आके क्लोजिंग कर रहा है, काफी बुलिश है। तो आपको डेली के टाइम फ्रेम पर अगर ये ब्रेकआउट कर देता है ऊपर की साइड में अडानी पोर्ट 896 के ऊपर तो बाय करेंगे, बाय अबव 896, स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 890 का एक स्टॉप लॉस लगा लेंगे, और जो टारगेट होगा अडानी पोर्ट में दोस्तों, पहला टारगेट होगा 902 रुपये 902, दूसरा टारगेट होगा 908 908, तीसरा टारगेट होगा 914 914 रुपये का। तो ये
बाय साइड का है। अगर अडानी पोर्ट में प्रॉफिट बुकिंग आता है तब सेल साइड के लिए जाएंगे, तो सेलिंग का जो लेवल होगा मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, सेल साइड में हम सेल करेंगे 887 रुपए के नीचे, सेल बिलो 887, स्टॉप लॉस 893, 893 रुपए का लेके चलेंगे। पहला जो टारगेट होगा इस कंडीशन में 881, 881, दूसरा 875, 875, और तीसरा 869, 869 रुपए का होगा अडानी पोर्ट में सेल साइड में। फर्स्ट टारगेट के पास भी स्टॉक पहुंचे तो जरूर अपना 50-70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी आप स्टॉप लॉस टेल करके चल सकते हैं। तो ये है सेकेंड स्टॉक अडानी पोर्ट। अब तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ चलूंगा दोस्तों, जिसका नाम है कैनफिन होम्स। कैनफिन होम्स का डेली के टाइम फ्रेम से कोई मतलब नहीं रखिए, आपको मतलब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर रखना है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप कैनफिन होम्स में देखते हैं तो जबरदस्त तरीके का एक राउंडिंग बॉटम, कैनफिन होम्स 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर रहा है और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न, यानी कि बॉटम में राउंड बनाया है, तो राउंडिंग बॉटम पैटर्न, इसको आप लोग डबल टॉप पैटर्न भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर या तो इसके ऊपर निकलेगा तो ब्रेकआउट होगा, या तो इसके नीचे आके प्रॉफिट बुकिंग होगा। तो खरीदना होगा कैनफिन होम्स को, अगर आप बाय साइड जाना चाहते हैं तो खरीदिए 546 रुपए के ऊपर, बाय 546, स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 542 का, 542 का स्टॉप लॉस लेंगे। टारगेट जो होगा इस कंडीशन में 550, 550, 554, 554 और तीसरा 558, 558 रुपए का टारगेट होगा कैनफिन होम्स में बाय साइड में, ये ध्यान रखना है। और अगर ये रिजेक्शन ले लेता है, गिर जाता है, तब सेल करेंगे तो सेल के जो लेवल होंगे, सेल करेंगे 536 रुपए के नीचे, सेल बिलो 536, स्टॉप लॉस 540, टारगेट होगा इस कंडीशन में दोस्तों 532, 532 का पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 528, 528, तीसरा 524, 524 रुपए का तीसरा टारगेट होगा, ये ध्यान रखना है कैनफिन होम्स में राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया हुआ है। तो ये तीन स्टॉक है दोस्तों, इंट्राडे के लिए बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज जरूर करना है और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए लाइव मार्केट में कॉल के लिए। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।